अखनूर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रव्यापी समारोह के एक भाग के रूप में 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो जम्मू कश्मीर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल अखनूर में जिला प्रशासन के समन्वय से आयोजित की जा रही प्रदर्शनी का समापन 20 जनवरी को होगा। अखिल सदोत्रा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने अखनूर में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए केंद्रीय संचार ब्यूरो जम्मू कश्मीर के प्रयासों की सराहना की और दर्शकों से विभाग द्वारा प्रसारित किए जा रहे ज्ञान को समझने का आग्रह किया। उन्होंने युवाओं से डिजिटल इंडिया के तहत विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए विभिन्न विभागों के वेब पोर्टल का उपयोग करने का आग्रह भी किया। ब्रॉडकास्टिंग के प्रोग्राम के तहत सीबीसी जम्मू के द्वारा यहाँ पर एक मल्टीमीडिया एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इसके तहत कोशिश ये है कि जो हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं उसमें जो आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने बढ़ चढ़ कर योगदान दिया और विशेष तौर से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं उनको भी फोकस में रखते हुए उनके बारे में यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई। इसी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रोमिनेंट स्कीम्स हैं विकास को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर, एजुकेशन को लेकर, उन सब के बारे में एग्जिबिट्स यहाँ पर लगाए गए हैं, प्रदर्शनी लगाई गई हैं, जिससे कि विशेष तौर से हमारा युवा वर्ग आए इस प्रदर्शनी में भाग ले। चोरों के हौसले अब इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब चोर स्कूल में भी चोरी की वारदात को अंजाम देने में परहेज नहीं कर रहे हैं। ताजा मामला रियासी जिले की पंचायत अघार बलिया में स्थित सरकारी प्राइमरी स्कूल का है, जहां स्कूल की रसोई से सिलेंडर सहित अन्य सामान को चुराकर चोर रफूचक्कर हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला ये हुआ है कि यहाँ पर चोरी हुई और हमारे किचन शेड से चोरी हुई और यहाँ पर 2 सिलेंडर लिए, एक तो लगा हुआ था और एक भरा हुआ साइड में रखा हुआ था, दोनों ले लिए, पट्टी वहीं पर रहने दी, सिलेंडर ले लिए। हम जब स्कूल आए तो बच्चे, हाउस वाले बच्चे ताला खोलते हैं तो उन्होंने ये देखा कि मैम यहाँ ताला नहीं लगा हुआ है, कुंडी लगी हुई है। फिर वहाँ पर हमने आगे पीछे जब हमने कुंडी खोल के देखा तो वहाँ पर सिलेंडर भी नहीं, हम लोग हैरान हो गए। फिर हम अफरा तफरी हो गई कि यहाँ क्या हुआ क्या नहीं। फिर हमने वहाँ देखा कि कटिंग की हुई है, मतलब काटा हुआ है, कटिंग के निशान लगे हमें, तो फिर वहाँ से हमें ये लगा कि अब चोरी है जी। हमने उसी टाइम पहले आसपास, साथ में दुकान है यहाँ पे, सीसीटीवी कैमरास लगे हैं आसपास, छानबीन की, उसके बाद हमने सरपंच जी को बुलाया, फिर उसके बाद ZD ऑफिस पे भी इन्फॉर्म किया। रियासी में चोरी के मामलों में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। लगातार चोर अपनी चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर के मौके से रफू चक्कर हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं और पुलिस जो है वो लगातार उनका पीछा कर रही है, लेकिन आज दिन तक कोई भी जो चोर है वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। पुलिस लगातार इसके ऊपर मेहनत जरूर कर रही है और दावा जरूर कर रही है कि हम जो है वो जल्द चोरों के ऊपर नकेल कसेंगे। ताज़ा मामला सरकारी मिडिल स्कूल का है, जहां सिलेंडर जो है वो चोर जो है वो चोरी करके भाग जाते हैं और पूरा जो स्टाफ है वो हैरान हो जाता है, हक्का बक्का हो जाता है। अब कहीं ना कहीं बच्चों की सुरक्षा को लेकर के भी कहीं ना कहीं जो टीचर्स हैं वो चिंतित हैं और इसी के संदर्भ में जो है वो उच्च जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के उनको सूचित कर दिया गया है और पुलिस के जो थाना है उसे भी जो है वो कंप्लेंट जो है वहाँ पर भी दायर कर दी गई है। अब देखना होगा कि रियासी पुलिस जो है वो कब तक चोरों के ऊपर नकेल कसेगी। हालांकि कुछ दिन पहले रियासी जिला अस्पताल के अंदर भी मोबाइल्स फोन जो है वो मरीजों के बेड से उठा करके चोर जो है वो रफू चक्कर हो गए थे, सीसीटीवी फुटेज भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन आज दिन तक असमर्थ जो है वो पुलिस जरूर रही है चोरों के ऊपर नकेल कसने में। न्यूज 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी।